My school. My school. Every day in hot and cool, I daily go to my school. हेलो स्टूडेंट्स, तो हम आज फोनिक प्राइमर एक्टिविटी प्रिंट की बुक में आगे बढ़ते हैं। तो हमें यहाँ पे इस पेज में लिखा है हैप्पी इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त, यानी कि 15 अगस्त को जो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे होता है उस दिन हम नेशनल फ्लैग लहराते हैं, यानी कि हम इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हैं। जैसे कि आपके स्कूल में 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते होंगे। और हमें यहाँ पे ये जो नेशनल फ्लैग का पिक्चर दिया है उसमें हमें कलर पूरना है, यानी कि आपको जो बुक में ये जो ड्राइंग दिया है उसमें आप कलर फिलअप कर सकते हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं पेज नंबर 10, 3 लेटर वर्ड्स, यानी कि हमें यहाँ पे 3 लेटर वर्ड्स दिए हैं। तो चलो आओ देखते हैं कौन से 3 लेटर वर्ड्स दिए हैं। तो सबसे पहले हमें ये जो पिक्चर दिखाई दे रहा है वो कौन सा पिक्चर है? बैग का। तो कौन सा वर्ड लिखा है? BAG, यानी कि बैग। तो हमें सबसे पहले ये जो डॉट वाला वर्ड दिखाई दे रहा है वो हमें सबसे पहले फिलअप करना होगा, और वही वर्ड हमें आगे की 2 लाइन में भी लिखना है। तो चलो बच्चों आओ देखते हैं कैसे लिखते हैं BAG, यानी कि क्या हुआ? बैग। फिर हम आगे बढ़ते हैं तो हमें नेक्स्ट पिक्चर किसकी दी है? रैग, RAG, यानी कि रैग। तो उसे हम क्या कहते हैं? हैंड नैपकिन। तो ये जो हमें सबसे पहले ये जो डॉट वाला रैग वर्ड दिया है वो हमें सबसे पहले फिलअप करना है, और वही वर्ड हमें आगे की 2 लाइन में लिखना है। तो चलो बच्चों आओ देखते हैं कैसे लिखना है। RAG, यानी कि रैग। फिर देखिए हमें यहाँ पे नेक्स्ट पिक्चर कौन सी दी है? टैग, TAG, यानी कि टैग। तो हम टैग किससे कहते हैं? जैसे कि हम कोई नए कपड़े खरीदते हैं तो उसमें हमें कोई कार्ड जैसा लटकता हुआ दिया हो तो उससे हम क्या कहते हैं? टैग। तो हमें सबसे पहले ये जो डॉट वाला टैग वर्ड दिखाई दे रहा है वो पहले फिलअप करना होगा, और ऐसे ही हमें यही वर्ड आगे की 2 लाइन में लिखना है। तो चलो बच्चों आओ देखते हैं कैसे लिखते हैं TAG, यानी कि टैग। तो देखा बच्चों मैंने यहाँ पे कैसे लिखा, और ऐसे ही आपको मेरे साथ आपकी बुक में लिखना है। फिर हमें यहाँ पे ये जो पिक्चर दी है वो किसकी दी है? वैग, WAG, यानी कि वैग। तो हम वैग किससे कहते हैं? जैसे कि कोई आप क्लास में बैठे हो और आपकी आगे की बेंच में कोई लड़की दी हो और उसकी चोटी हम हिलाते हैं तो उसके हम क्या कहते हैं? वैग। तो कौन सा वर्ड है? WAG, यानी कि क्या हुआ? वैग। तो देखिए हमें यहाँ पे ये जो डॉट वाला वैग वर्ड दिखाई दे रहा है वो हमें पहले फिलअप करना होगा, और वही वर्ड हमें आगे की 2 लाइन में लिखना है। तो चलो बच्चों आओ देखते हैं कैसे लिखते हैं WAG, यानी कि वैग। तो देखो बच्चों मैंने यहाँ पे बताया कि कैसे वर्ड लिखते हैं, तो आपको भी मेरे साथ आपकी बुक में लिखना होगा। और देखिए मैंने सारे बॉक्स में आपके लिए लास्ट वाली रो है वो आपके लिए खाली रखी है, तो आपको उसमें भी यही सारे वर्ड्स लिखने होंगे। फिर हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड पे कि कौन कौन से वर्ड है। चलो आओ देखते हैं। तो हमें यहाँ पे ये जो पिक्चर है वो किसकी दिखाई दे रही है? डैम, यानी कि बांध। तो DAM, यानी कि डैम। तो जो रिवर पे डैम होता है उसे हम क्या कहते हैं? डैम। तो हमें सबसे पहले ये जो डॉट वाला डैम वर्ड दिखाई दे रहा है वो हमें सबसे पहले फिलअप करना होगा, और वही वर्ड हमें आगे की 2 लाइन में कैसे लिखना है चलो मैं आपको बताती हूँ। डी
एम यानी कि डैम। तो देखा बच्चों, मैंने आपको बताया कि कैसे लिखते हैं। फिर हमें यहाँ पे ये जो वर्ड है वो क्या दिया है, यानी कि ये जो पिक्चर है वो कौन सा दिया है, जैम, जे ए एम यानी कि जाम। तो हम जाम किससे कहते हैं कि हम जो ब्रेड पे लगा के खाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, जाम। तो देखिए, हमें यहाँ पे ये जो सबसे पहले डॉट वाला वर्ड दिया है वो हमें सबसे पहले फिलअप करना है और वही वर्ड हमें आगे की दो लाइन में लिखना है। तो चलो बच्चों, आओ देखते हैं जैम वर्ड कैसे लिखते हैं। जे ए एम यानी कि जाम। तो देखिए, हमें आगे की जो पिक्चर्स दी है ये वो कौन सी पिक्चर्स है, रैम, आर ए एम यानी कि रैम। जो गेटू होता है उससे हम क्या कहते हैं, रैम। तो हमें सबसे पहले ये जो डॉट वाला वर्ड दिया है रैम, वो हमें सबसे पहले फिलअप करना है। तो चलो बच्चों, देख लिखते हैं कैसे, यानी कि कैसे लिखते हैं। चलो बच्चों, आर ए एम यानी क्या क्या हुआ वर्ड, रैम। तो आपको भी मेरे साथ यही वर्ड आपकी बुक में लिखना है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, हमें यहाँ पे जो पिक्चर्स दी है ये वो कौन सी पिक्चर है, याम, Y A M यानी कि याम। तो याम है वो हम किससे कहते हैं, जो रतालू होता है उसे हम याम यानी कि याम कहते हैं। तो सबसे पहले हमें ये जो डॉट वाला याम वर्ड दिया है वो हमें सबसे पहले लिखना है और वही वर्ड हमें आगे की दो लाइन में लिखना है। तो चलो बच्चों, आओ देखते हैं कैसे लिखना है। Y ए एम यानी कि याम। तो बच्चों, मैंने आपको बताया कि कैसे वर्ड लिखते हैं, तो आपको भी मेरे साथ आपकी बुक में लिखना होगा। तो देखिए बच्चों, मैंने सारे बॉक्स में जो लास्ट वाली लाइन है वो खाली रखी है, तो उसमें भी आपको यही सारे वर्ड्स लिखने होंगे। फिर हम आगे बढ़ते हैं पेज नंबर 11, आंसर द क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कि हम यहाँ पे जो क्वेश्चन आंसर दिए हैं वो हमें ब्लैंक्स में फिलअप करना है। तो हमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, व्हाट इज बाय द टेम, तो उसका आंसर हमें क्या लिख के दिया है, अ केब इज बाय द डैम, यानी कि जो केब है यानी कि जो टैक्सी होती है वो डैम से पसार होके जाती है। तो हमें सबसे पहले ये जो डॉट वाला आंसर दिया है, अ केब इज बाय द डैम, तो हमें सबसे पहले वो फिलअप करना होगा और यही आंसर हमें नीचे जो दो ब्लैंक्स दी है उसमें यही आंसर हमें फिलअप करना है। तो चलो, आओ देखते हैं कैसे आंसर फिलअप करना है। अ सी ए बी यानी कि कैब इज बाय द डैम। तो देखिए, मैंने यहाँ पे आंसर कैसे लिखा, अ केब इज बाय द डैम। तो ऐसे ही बच्चों, आपको जो आपकी बुक में क्वेश्चन दिया है तो आपको भी ऐसे ही आंसर लिखना होगा। और देखिए, मैंने आपके लिए जो लास्ट वाली रो है वो खाली रखी है, तो उसमें भी आपको यही आंसर फिलअप करना होगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं, तो हमें कौन सा क्वेश्चन दिया है, हु इज इन द केब, यानी कि केब में कौन है, तो आंसर क्या दिया है, अ मैन इज इन द कैब, यानी कि जो मैन है वो कैब में है। तो देखिए, हमें सबसे पहले ये जो डॉट वाला आंसर दिया है, अ मैन इज इन द कैब, तो हमें सबसे पहले वो फिलअप करना होगा और यही आंसर हमें आगे की दो लाइन में लिखना है। तो चलो, आओ देखते हैं कैसे लिखना है। अ मैन is in the cab। तो देखिए, मैंने आपको बताया कि कैसे आंसर फिलअप करना है, a man is in the cab। तो देखिए, आपको भी आपकी बुक में ये जो आंसर दिया है वो आपको आपकी बुक में लिखना है। और देखिए, मैंने आपके लिए जो लास्ट वाली रो है वो खाली रखी है, तो इसमें भी आपको यही आंसर फिलअप करना होगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं, तो हमें नेक्स्ट
लाइन में क्या लिखा है अ, और देखिए हमें यहाँ पे ये जो पिक्चर है वो किसकी दिखाई दे रही है, मैंने आपको बताया था कि ये जो पिक्चर है वो किसकी है, बैग। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, बी ए जी, यानी कि बैग इज ऑन द, और ये पिक्चर है वो किसकी है, कैब, यानी कि जो टैक्सी होती है वो। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, कैब, सी ए बी, यानी कि कैब। तो क्या सेंटेंस हुआ, अ बैग इज ऑन द कैब, यानी कि जो बैग है वो कैब के ऊपर है। फिर हमें लास्ट में क्या सेंटेंस बताया है, द, और ये जो पिक्चर है वो किसकी है, मैंने आपको बताया था आर ए एम, यानी कि रैम, और लिखा है हैज, और ये जो पिक्चर है वो किसकी है, मैंने आपको बताया था याम, वाई ए एम, यानी कि याम। तो सेंटेंस क्या हुआ, द रैम हैज याम, यानी कि जो रैम है वो याम खाता है। तो देखिए मैंने आपको बताया कि कैसे आंसर फिलअप करने हैं, तो आपको भी मेरे साथ यही आंसर फिलअप करना है। फिर आगे बढ़ते हैं, तो क्या लिखा है, राइट द करेक्ट वर्ड। तो मैंने आपको बताया था कि कौन सी पिक्चर क्या है, तो हम आज देखते हैं कि ये जो पिक्चर है वो किसकी है। चलो बच्चों बताओ ये जो पिक्चर है वो किसकी है, मैंने आपको आगे बताया था, तो ये जो पिक्चर है वो किसकी है, डैम। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, डी ए एम, यानी कि डैम। फिर ये जो पिक्चर है वो किसकी है, मैंने आपको बताया था आर ए जी, यानी कि रेग, जो हैंड नैपकिन होता है उसे क्या कहते हैं, रेग। फिर हम आगे बढ़ते हैं, तो ये जो पिक्चर है वो किसकी है, मैंने आपको बताया था बी ए जी, यानी कि बैग, और ये जो पिक्चर है वो किसकी है, मैंने आपको बताया था वाई ए एम, यानी कि याम, उसे हम क्या कहते हैं, रतालू। फिर हम आगे बढ़ते हैं, तो ये जो पिक्चर है वो किसकी है, मैंने आपको बताया था टी ए जी, यानी कि टैग, जो हम नए कपड़े खरीदते हैं तो उसमें एक ऐसा कार्ड जैसा होता है उसे हम क्या कहते हैं, टैग। फिर ये जो पिक्चर है वो किसकी है, मैंने आपको बताया था जे ए एम, यानी कि जाम, जो हम ब्रेड पे लगा के खाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, जाम। फिर ये जो पिक्चर है वो किसकी दी है, मैंने आपको बताया था आगे पिक्चर में कि ये जो पिक्चर है वो किसकी है, आर ए एम, रैम। फिर ये जो पिक्चर है वो किसकी है, मैंने आपको बताया था आगे ये जो पिक्चर है वो किसकी है, डब्ल्यू ए जी, यानी कि वैग। तो देखिए मैंने आपको बताया कि कौन सी पिक्चर क्या है, तो आपको भी यही वर्ड सारे आपको आपकी बुक में लिखने होंगे।